शिव पंचायत का पूजन कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में और वो भी गुरु पुष्य में ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर पांच बेलपत्री शिव गणेश दुर्गा सूर्य नारायण और विष्णु भगवान इन पांचों के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले। जल निकलेगा ही। बस जो पांच देव के नाम से अपने पांच बेलपत्री जल के पात्र में रखी हो वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए, जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले। और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए। महाराज भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना, पांच देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई लोगों के मन में आता है गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते। इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर, तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए।